तो फाइनली हम लोग स्नान करके अब रेडी हो चुके हैं। सो फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं। उज्जैन आए हैं सभी। सभी उज्जैन क्यों आए हैं? महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। आप भी आइए, फॉलो मी। फाइनली कुछ इस प्रकार है उज्जैन जंक्शन के नजारे, आप लोग देख सकते हैं। और 16, 17, 18 और मैं ये बता दूं कि ये उज्जैन की ये घाटे हैं जहाँ पे दर्शन करने से पहले महाकाल के यहाँ पे स्नान किए जाते हैं। बस गाइस, आप लोग बस एक उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लोग आपको धीरे धीरे सब कुछ दिखाएंगे भोपाल की। जो कुछ इस प्रकार हैं उज्जैन जंक्शन के नज़ारे, हम लोग फाइनली उज्जैन जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। सो फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छे शानदार ट्रैवल के बाद सफर में क्या मजा आया? सफर में ही मजा आया, सब लोगों ने मिलकर एंजॉय किया। और देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अंतराक्षरी में तो वाकई बहुत मजा आया। हमारी बूढ़ी आंटियों ने बता दिया क्या होती है आंटियां, बच्चे रियलिटी में उनके सामने बच्चे लग रहे थे। आगे बने रहिए, फिर दिखाते हैं आगे आगे होता है क्या। तो चिल करेंगे अपने साथ है रिक्वेस्ट, फिर चिल की कोई कमी नहीं होगी, फन बिल्कुल मिलते हैं। फाइनली कुछ इस प्रकार है उज्जैन जंक्शन के नजारे, आप लोग देख सकते हैं। और एक और मज़े की बात यह है कि हमारे दोस्त सूरज और उनके भाई लोग यहाँ पे मिल चुके हैं, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये घूमते घूमते यहाँ प्लेटफॉर्म पे मिल गया है। ये सूरज है और ये दो भैया हैं जो उनके साथ रहते हैं। हम लोग सभी साथ वाले हैं, लेकिन यहाँ जंक्शन पे अचानक मिले हैं हम लोग, जिससे और अच्छा मूवमेंट आगे मिलने वाला है। सभी साथ रहेंगे, फिर देखिए आगे आगे होता है क्या। सूरज छपरी, ये छपरी, ये छपरी है, ये अपना भी तरह मिल गया था। क्या बताता नहीं है कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। अगर वहाँ नहीं स्नान करने दिए तो फिर क्या, अगर नहीं करने दिए। चलो फिर क्या कॉस्ट लगे, कितने के? 20 रुपए लाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, एक ऑटो वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो नदी है वहाँ पे स्नान की जाती है। वो नदी बंद है, वहाँ पे 8 बजे से स्नान की जाती है। तो हम लोगों की 7 बजे की ट्रेन है यहाँ से इंदौर के लिए। और देखिए आगे होता है क्या। ये एक और ऑटो वाले भाई मिले हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पे ले जाऊँगा आपको, स्नान भी कराऊँगा, फिर उसके बाद आपको उज्जैन मंदिर का भी दर्शन कराऊँगा। अगर वहाँ पे स्नान करने नहीं देते तो फ्री में घुमाऊँगा। ये वीडियो क्लिप में है, लेकिन देखिए आगे होता है क्या। यार ये तो दुविधा हो गई। हम लोगों की 7 बजे की ट्रेन है इंदौर के लिए, वहाँ पे एक इवेंट है और इवेंट ज्वाइन करना था, लेकिन देखिए अब आगे आगे होता है क्या। मिलते हैं फिर आगे, बने रहिए तब तक। जय महाकाल, हर हर महादेव। लाइट जल जाए यार। ओ, इसका बैटरी लो है, समझ गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक ऑटो में यहाँ राम रौदा 13, 14, 15, 16, 17 है। ये हम लोग की हंसी मजाक वाली गिनती है, एक दूसरे में सीधे दसेगा राम रौदा 13, 14, 15, 16, 17। विदाउट यू दिखा सकते हैं पहले।
बैक साइड आउटसाइड। और मैं ये बता दूं कि ये उज्जैन की ये घाटे हैं जहाँ पे दर्शन करने से पहले महाकाल के यहाँ पे स्नान किए जाते हैं और स्नान करके फिर वहाँ जाते हैं महाकाल के दर्शन के लिए। और ये हम हैं और हमारी टीम है सब, यहाँ से अब अपने अपने एरिया को पार करेंगे। सर से समथिंग भाई जी नहाते स्नान करते हैं। नहीं आप लोग अपने यहाँ जाइए। अरे क्या सवाल रह गया भैया आपका, ऑटो वाले भैया पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप ऐसे गाड़ी को क्यों मोड़ मोड़ के चलाते हो। देखिए यहाँ मेरे को लगता है कि यहाँ का नाम त्रिभुवन वंदिता शिप्रा है, क्योंकि मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये त्रिभुवन वंदिता शिप्रा है और यहाँ के नज़ारे कुछ इस प्रकार है। वाकई सच्ची सच्ची बताएं रियली तो यहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही हैं यार। देखिए ये रही यहाँ की नदी के कुछ नज़ारे, ये जो तार से घिरी हुई है रस्सी से जहाँ पे ये बम्बू लगे हुए हैं उससे आगे जाके स्नान नहीं करना है। जिसको भी स्नान करने हैं बस इसके अंदर ही करने हैं क्योंकि आगे खतरे हो सकती हैं। और ये देख लो आप लोग, ये कुछ इस प्रकार यहाँ का नज़ारा है। वाकई यार यहाँ पे आके मन को बहुत सुकून मिल रहा है। अभी तो हम लोगों ने बस ये शिप्रांश वंदिता ही आए हुए हैं, तब तक यहाँ पे इतना आके इतना अच्छा लग रहा है। और जब मंदिर का दर्शन करेंगे तो फिर उस टाइम पे कुछ अलग ही फीलिंग रहेगा जिसको हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, फिर आपको दिखाते हैं कि हम लोग कैसे स्नान करते हैं, कैसे यहाँ पे फन करते हैं, कैसे चिल करते हैं। बने रहिए, हम ये हमारे प्रभात जी हैं। बस गाइज आप लोग बस एक उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ ताप रहे। तो फाइनली हम लोग स्नान करके अब रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलेंगे महादेव के दर्शन के लिए। और ये रहे प्रभात जी, ये हमारे सर और ये हमारी मैम, ये सब तो मैम ही अरे 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 कहिए कुछ बस सही जय भोले शंकर जी की। आगे के बाद कुछ अलग एनर्जी फील हो रही है? बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा, मेरे शब्द अपने आप निकल रहे हैं, इतना फ्रेश फील हो रहा है। जज्बातों को समझिए। वाकई यार चश्मे उतारने के बाद मालूम पड़े कि इतनी ज्यादा रोशनी है यहाँ पे।